इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला स्टॉक्स है वो है अरविंद फैशन। तो सबसे पहले हम अरविंद फैशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमें देखनी होती है वो है चार्ट के पैटर्न्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 6 अक्टूबर को इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी, तब इसका प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 330। अब जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 365 के। अभी हम लाइव मार्केट के अंदर हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने उसके अंदर देखनी चाहिए वो है चार्ट के पैटर्न्स। पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उसके बाद आ जाती है उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन ट्रेंड लाइंस एंड कैंडल्स पैटर्न्स। जब आप इन सभी चीज़ों को समझ जाते हो, सब चीज़ों को सीख जाते हो, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करना। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ये भी पैटर्न्स बने हुए हैं, जो मैंने अभी ये पैटर्न्स बनाया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये W पैटर्न बनाया था और सीधा इस लाइन को ऊपर लेकर गया था। आप ये चीज़ मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, आप ये कन्फर्मेशन करने के लिए लास्ट वीडियो को देख सकते हो कि कैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे मैं चार्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको एक एनालिसिस करके स्टॉक्स की बता रहा हूँ कि कैसे किसी स्टॉक्स की एनालिसिस की जाती है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्राइस जो चल रहा है, इस जो ग्रीन लाइन है इसका जो प्राइस है 340, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही काम करता रहेगा, तब तक ये स्टॉक बहुत अच्छा है। बट इसमें किसी को भी बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आपको जस्ट ट्रेड लेना है तो मैं चाहूँगा कि आप जस्ट वन क्वांटिटी के साथ ट्रेड लें, सो दैट कि ये जो स्टॉक्स है आपकी निगाह में बना रहे। अब इस स्टॉक्स में आगे क्या हो सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। आगे सबसे पहले जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन। हम एक थोड़ी सी इसकी रेजिस्टेंस लाइन लगा लेते हैं। मैं जो पहली रेजिस्टेंस लाइन लूँगा वो लूँगा यहाँ से, जस्ट जो इसका पिछला हाई लगा हुआ है जस्ट इसके ऊपर एक लगा दूँगा, यानी कि वो हो जाए। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जस्ट इसको 330 में टच करेगा, 330 टच करने के बाद एक बाउंस लेता है, अगर बाउंस करने के बाद फिर से इसको कट करेगा देन नेक्स्ट जो लाइन लगेगी, जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इसका ये हाई है जो काफ़ी टाइम हो चुका, जो कि इसने 28 जनवरी 2020 को लगाया था, मैं जस्ट यहाँ से एक रेजिस्टेंस उठा लेता हूँ। अगर ये लाइन, यानी कि इसमें दो हमने रेजिस्टेंस लाइन लगा दी, पहली है 330, सेकेंड है 444। तो अभी ये जो पैटर्न बन रहा है तो सबसे पहले इसको 380 को क्रॉस करना, कट करना पड़ेगा। जब तक देखिए, अभी ये ट्रेंड अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, जब तक ये अपसाइड में चलता रहेगा तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, जस्ट इसको 340 के नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक ये स्टॉक्स अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है तब तक के लिए अच्छा है। बट किसी को भी बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि एनालिसिस ये कि किस तरह से जो W पैटर्न है किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी स्टॉक्स के अंदर बैठे रहना, उसके अंदर काम करना। सो जो इसका नेक्स्ट, अभी देखिए स्टॉक्स अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है तो जस्ट इसको 340 के नीचे नहीं आना चाहिए। जब हो सकता है इसमें थोड़ी सी नीचे बाउंस बैक आ जाए, इस 380 को एक बार टच करने के बाद नीचे आए, बट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर एम पैटर्न या कि W पैटर्न की फॉर्मेशन होने के बाद इसको 380 के ऊपर निकल जाना चाहिए। सो हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसकी एनालिसिस हमने 6 अक्टूबर को की थी। ये नीचे एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। अभी तक देखो, इसने इस सपोर्ट को नीचे की ओर नहीं काटा। देखिए, जब तक ये स्टॉक इस 248 को नहीं कट करेगा तब तक ये मेरे लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है, कि इस पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए। अगर ये स्टॉक इस पैटर्न के हिसाब से नहीं चलेगा, इस 263 को कट करने के बाद नीचे आएगा, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। देखिए, जब भी हमें किसी भी स्टॉक्स को बाय करना होता है ना, तो सबसे पहले हमको कन्फर्मेशन चाहिए, हमें एक साइड में बैठना पड़ता है कि हाँ, जब तक ये पैटर्न्स बन रहे हैं, इस ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जा रहा है, तब तक हमें साथ साथ उस स्टॉक्स के चलना होता है, तभी हम उस स्टॉक से प्रॉफिट ले पाएंगे। ये एक पैटर्न है, एक W पैटर्न। अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 261। अगर ये प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाता है, तो मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी और होगी कि मैं इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड करूँगा। और जो ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक चलता रहेगा। अगर इस स्टॉक्स ने ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, तो इसको कम से कम सबसे पहले से 248 को, जो ये रेड लाइन है, इसको कट करके नीचे आना पड़ेगा, तभी ही मैं इस स्टॉक से एग्जिट करूँगा।
देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है लिबर्टी शूज़। ये जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो पैटर्न्स ड्रॉ किए थे ये सभी उसी तरह से अभी भी लगे हुए हैं। हमने जो एनालिसिस की थी लास्ट वीडियो के अंदर 6 अक्टूबर के अंदर, मैं देख रहा था कहाँ पे 4, 5, 6, तो ये जो देखो ये जो डब्ल्यू पैटर्न्स बना हुआ हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, मैंने कहा था कि ये जस्ट यहाँ पे एक बार आने के बाद फिर ऊपर निकलेगा, बट इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आने, देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए दूर किया था कि हो सकता है कि यहाँ पर 3, 4, 5 कैंडल इसने बनाई जरूर है, बट बहुत फास्ट मूवमेंट करके ये ऊपर निकल गया। मैं जस्ट अभी आपके सामने थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। देखिए जब भी हम पैटर्न्स किसी भी चीज़ को बिना देखे ड्रॉ करेंगे वो थोड़े आगे पीछे होंगे, पर जैसे जैसे वो स्टॉक चलता रहेगा उसी हिसाब से हम थोड़े बहुत अपने जो पैटर्न्स बने हुए हैं उनको सही करते रहेंगे। तो जैसे ही पैटर्न्स हमारे थोड़े आगे पीछे होते रहेंगे उनको हम टाइम टू टाइम सही करते रहेंगे, जैसे कि 15 दिनों के बाद जब भी हम स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे उन पैटर्न्स को सही करते रहेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमारे पैटर्न्स सही हो जाते हैं और कहाँ पे हमारे पैटर्न्स वो गलत हो जाते हैं। फिलहाल तो इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमारी जो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 393 को एक बार टच करे, टच करने के बाद फिर हम देखेंगे। जो लोग स्विंग करते हैं जो लोग स्विंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट हो जाता है वो उनके लिए। देखिए जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक पॉइंट हो जाता है, जैसे कि उन्हें अगर एक स्पॉट से अगर वो एंट्री कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे उन्हें एग्जिट करनी होती है, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कुछ उसमें से आप पूरी क्वांटिटी ना निकाल कर उसकी हाफ क्वांटिटी या 60% या जो भी 70% क्वांटिटी आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे आ रहा है, मेरा जो अभी स्टॉप लॉस हो सकता है वो हो सकता है 290। टाइम टू टाइम हम हर स्टॉक्स को एनालिसिस करते रहेंगे और देखते रहेंगे और इसकी जो मूवमेंट है देखते रहेंगे किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। देखिए हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है IRCTC। लास्ट वीडियो के अंदर हम इसके चार्ट के पैटर्न्स को ड्रॉ किया था, एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये इसकी सपोर्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जस्ट ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन की थी, बट अभी तक इस स्टॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं आई है। देखिए अगर स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें एग्जिट हो, हमें स्टॉक्स के अंदर वेट करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है, उसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, हमें थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठना होता है, जस्ट हमें वेट करना होता है कि कहीं ना कहीं जस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। पैटर्न्स को स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे 5 मिनट 15 मिनट यहाँ पर एक पैटर्न्स बन रहा है, उस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद ही ये स्टॉक्स कहीं मूव करेगा। जस्ट मैं वेट करूंगा कि ये मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको कट ना करे। स्टॉप लॉस कौन सा है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, जो पहली जिसका पहला प्राइस है 690, दूसरी स्पोर्ट आ जाएगी 692, यहाँ पर जो सेकंड हमारी स्पोर्ट है इसके अंदर पीछे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है और दो स्पोर्ट, जब तक इनको कट करने के बाद यहाँ तक नहीं आता तब तक ये स्टॉक बहुत अच्छा है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इसकी स्टॉक से एक मूवमेंट का।